to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm not different from. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Sakshi Dhanjal. और आज का दिन स्टार्ट करते हैं हम ब्रेकफास्ट से. ब्रेकफास्ट में दीदी ने बनाया सैंडविच और थोड़ा सा पास्ता एंड उसके अलावा मेरे दीदी सॉस पकड़ा के करी, उससे खा लेना. आज हमारा नया प्लान है, कुछ नई प्लेसेस पे जाने का और नई प्लेस एक्सप्लोर करने का. और नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए बाइक चाहिए होती है. आई टोल्ड यू, मतलब व्हीकल तुम्हारा नहीं जा सकता अगर आपका 4x4 नहीं है, उसकी परमिशन बहुत मुश्किल मिलती है. सो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने शीशा ऑलमोस्ट साफ कर दिया है. फिर भी बारिश हो रही है, बहुत देर से बारिश हो रही थी, हम वेट कर रहे थे रुक जाए, हमने छाते पिक कर लिए हैं. और ये भजन आप तो रेनकोट लाने के बाद भी रेनकोट पिक नहीं करता. सो हम जा रहे हैं किसी फेमस मोनेस्ट्री को कवर करने आज. गंगटोक से उसका रास्ता 1 घंटे की दूरी पर है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर. आप गेस करके बता सकते हो अगर आप सिक्किम आए हो तो कौन सी मोनेस्ट्री हम जा रहे हैं. अगर आप लोग अभी मेरा कंटेंट मिस कर रहे हो तो जाके देखो लास्ट 4 धाम वाले ब्लॉग को, दैट इज सो मच अमेजिंग. हम साउथ से वेस्ट सिक्किम गए थे एंड इट वॉज टोटली मतलब कैपिटल से साउथ से वेस्ट, मतलब 200+ किलोमीटर को जाना. वो बहुत टायरिंग था, उसके मैं अभी भी बीमार हूँ. प्लस हम आज वहाँ कहीं जाने वाले हैं जहाँ पे वो बादल दिख रहे हैं ना, सो दैट आई एम गोइंग टू कवर. हम लेट नहीं करते, ये रास्ते डालना भी लगा हुआ है. सो फटाफट चलते हैं एंड आई एम गोना हैव जूस स्टिल, लाइक आई एम फीलिंग वेरी वीक टुडे आल्सो. नाउ आई एम गोना टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम भी जाना है ऑब्वियसली. सो लेट्स जस्ट गो. मेरे सामने क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ का आई नो बारिश की बूंदे कुछ ज्यादा ही दिख रही है एंड यू नो हम आते हुए जाएंगे. अभी बहुत गया ना, कुछ भी नहीं दिखा बिकॉज बारिश की बूंदे बहुत हाइट पर है, मतलब बहुत बारिश हुई है गाइस कल रात से. यहाँ के रास्ते मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब इन्होंने मेंटेन करे हुए हैं. अगर यहाँ सड़कें देखी जाए ना, लड़कियों को पहाड़ी एरिया में गाड़ी चलाते देखा है? बहुत रेयर ना, मतलब मैं हिमाचल में उत्तराखंड में फिर भी लड़कियां देखती हूँ, बट मैंने यहाँ पे बहुत, यहाँ पे एक देखी थी टैक्सी चलाती है और भाई साहब उसकी हाइट शरीर देख के लग नहीं रहा था वो लड़की है. एग्जैक्टली. सो मतलब यहाँ पे, मतलब अगर आप, मैं यहाँ की बात करूँ ना सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट साइड की, तो यहाँ पे मैंने बहुत कम लड़कियों को व्हीकल चलाते हुए देखा है. इवन वेस्ट बंगाल ले लो या फिर जहाँ से मैं बिहार से आई हूँ वहाँ की बात ले लो, तो बहुत कम लड़कियाँ व्हीकल चला रही थी. इवन स्कूटी की बात करें तो बहुत लेस स्कूटीज यहाँ, तो फिर भी बहुत, यहाँ पे तो बहुत ना के बराबर तुम्हें स्कूटी देखने को मिल रही थी, बट बाइकर्स तो हमें बहुत देखने को मिलेंगे. तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं गाड़ी कैसी चलाती हूँ वैसे भाई? तभी मतलब एक जेन्युइन रिव्यू. मेरे फ्रेंड्स तो सारे कहते हैं शी इज अ हैवी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, बट आई रियली वांट टू नो. देखो हैवी ड्राइवर काफी सेंस में हो सकते हैं, ठीक है, बट अगर देखा जाए कि ड्राइविंग रेटिंग के मामले में, मतलब 10 में से आई वांट टू गिव यू 9.1 इसलिए काट रहा हूं कि कई बार गाइड करना पड़ता है. अच्छा, गाइड तो आई गेस मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि जब लेफ्ट का मामला आता है ना, जैसे कि अगर गाड़ी लेफ्ट से निकल रही है तो उस वजह से हमें, मतलब मुझे सच में कई बार पता नहीं चलता कि कितना लेफ्ट में जगह है. कई बार जब साइड से वो चीज़ पता बहुत होती है. मतलब मैं तो चाहती हूँ जितनी लड़कियाँ हैं वो डेवलप करें, गाड़ी चलाएं, भगवान उनके सबके पास गाड़ियाँ हो, स्कूटीज हो, और लड़कियाँ लड़कों के साथ गाड़ियाँ लेके निकले रोड पे. और मैं चाहती हूँ इक्वलिटी हो, कि अगर लड़का गाड़ी चलाता है तो लड़की को भी उतना ही सपोर्ट करेगी. तू भी चला, नहीं नहीं दो नहीं दो नहीं, आई वांट कि दोनों के, मतलब उन दोनों के ना व्यू पॉइंट ऐसे हो कि थोड़ा सा जैसे मैं और तुम करते हैं, थोड़ा तू चला ले, थोड़ा मैं चला लेता, थोड़ा तू चला, थोड़ा, तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. आज तू लव नहीं बन रखी कभी? लव मैं तेरे को मिस कर रही हूँ कल रात से, तू पार्टी कर रहा है मेरे बिना. आई होप कि तो मेरा व्लॉग, तो वैसे मतलब मेरा व्लॉग देखता है, मुझे बता था अभी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, बट लव मैं तो मिस कर रही हूँ. फाइनली यहाँ पहुँचते हुए नो व्हीकल अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट. मैं आ चुकी हूँ मोनेस्ट्री जो यहाँ की बहुत फेमस है,
और आइडेंटिटी कार्ड यहाँ दिखाना पड़ेगा, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पब्लिक नोटिस टू फॉलो द प्रोटोकॉल. ये साढ़े 7 बजे से 5 बजे तक ओपन होते हैं, 5:30 बजे तक. और टू वेयर द प्रॉपर फुल ड्रेस टू एंटायर मोनेस्ट्री, नो अदर ड्रेस अलाउड, मिनी अलाउ नहीं है, स्लीवलेस ड्रेस अलाउ नहीं है, नो व्हीकल टैक्सी इनसाइड द गेट, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है. मोनेस्ट्री पहुंचे, सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है ऑल ओवर सिक्किम में, और धर्मचक्र सेंटर 24 किलोमीटर फ्रॉम गंगटोक से है, हम उसको भी कवर करेंगे. तो ये उसके बारे में बताया हुआ है, वहाँ पे रिचुअल लिखा हुआ है नीचे, स्केयर्ड रिचुअल मास डांस वीक लॉन्ग पूजा रिलीजन इज 24th डे 12th मंथ एंड 10th डे ऑफ द 4th मंथ बिथिन. यार ये मिस नहीं करना. आना पड़ेगा, 10 रुपए की एंट्री टिकट है, एंड नीचे से आपके मतलब डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर लाइसेंस होगा आपको वो दिखाना पड़ेगा. आई गेस ये बहुत ही पुराना स्क्रिप्चर है जो मेरे पीछे है, एंड इसके ऊपर भाषा लिखी हुई है, बहुत पुराना लग रहा है ये. अंदर मंदिर की फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बट दिस लुक्स अमेजिंग, दिस प्लेस लुक एक्चुअली ब्यूटीफुल. मौसम है ना वो भी गर्म नहीं है, ठंडा, और यहाँ पे छोटे छोटे मॉन्ग्स हैं, तो मैं बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे ऑल अराउंड. अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो मेरे आसपास बहुत सारे मॉन्ग्स हैं. आई गेस यहाँ पे लोग रहते हैं, इनका गुरुकुल भी यही, क्योंकि इनके हाथ में बुक्स है. पोपट कट गया, मैं जस्ट ये कबूतर शूट करने वाली थी और भैया ने ना 2 बार वो बजाया जो उनके हाथ में, और सारे के सारे भाग गए. भैया एक और बार बजा दो प्लीज, 1 2 3 गो. ये रही. यहाँ से व्यू चेक करो यार, आई मीन मेरे को कितना प्यारा व्यू है. नालंदा इंस्टीट्यूट कैफे ऑल्सो, इट द सेम प्लेस वेयर वी केम फ्रॉम. पता पीछे से तो आए हैं हम. एग्जैक्टली. सो हैव यू बीन हियर गाइस? कर्मा श्री नालंदा इंस्टीट्यूट. सो इफ यू हैव बीन हियर जस्ट कमेंट, यस यू हैव बीन हियर. तो मेरे सामने इस वक्त कर्मा श्री नंद, इट्स नंदाना इंस्टीट्यूट है, और मेरे पीछे इस वक्त गोल्डन स्तूपा है, बट तो वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है. कुछ ये रास्ता है यहाँ आने का, एंड ये इस जगह की वाइब्स बहुत ही प्यारी है. लुक एट दिस, हाउ क्यूट. Look at this guys. यहाँ पे भी भारतीय डाक पोस्ट है,
और इस लड़के को तो फोटोज लेने की पड़ी है, बट यहाँ पे भी भारतीय डाक पोस्ट कसम से बताए वहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज थी। जहाँ हम गोल्डन स्तूपा गए ना, यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट विजिट, यू विल फील रियली पॉजिटिव आई एम प्रीटी श्योर वहाँ विजिट करने के बाद। अब चलते हैं कॉफ़ी पीने, आई एम रियली हंग्री, इट्स लाइक अभी 4 बजने वाले हैं, 3:30 हो चुके हैं, हमें दूसरी प्लेस भी कवर करनी है तो फटाफट। सो हम एंटर कर रहे हैं 121 कैफे और इनकी स्पेशलिटी है कॉफ़ी में। लेट्स जस्ट आस्क, आई रियली वांट अ कॉफ़ी, यू हैव कॉफ़ी मोका होट, सो दिस आर देयर रेट्स एक्चुअली, एंड you have the pizza as well and these things also. You have croissant by any chance? No ma'am, so sorry. Okay. We just have these chicken sausage. No, I just want on cafe mocha and nothing else. See, and I want it strong. भैया आपसे कुछ पूछ लूँ? ये आपकी शॉप है? तो फिर ये मतलब आप अपने आप या रेंट पे लिया आपने? रेंट पे नहीं, I own this place. I own the place, मतलब यही से belong करते हो आप सिक्किम से? जी, I used to work in Delhi, तो I left my job and came back. Delhi में? जी. कहाँ पर? Oberoi, New Delhi. Oberoi में? तभी मतलब ये सब आपका खुद handmade है ना? जी. I used to be a pastry chef. अरे वाह, Oberoi में? कब, कौन से साल में? 2019 में और ये वाली जो आपने सेकंड वाली जो बनाई थी, दैट इज वही ना जो आइस डाल के और ऊपर से कैरेमल मिल्क वगैरह डालता था ना, दैट माय डैड इज माय वन ऑफ द फेवरेट, रोज का है दिल्ली में तो मैं रोज बनाती हूँ जब मैं भी। हाँ, मेरा सफर निकल चुका है, मतलब हमारा सफर निकल चुका है एक्चुअली, मैं साथ कोई और भी है अभी, मैं थोड़ा टाइम तक सोलो ड्राइविंग मतलब सोलो ट्रैवलिंग पे नहीं। हम वापस आए हैं गाइस यहाँ पे MG रोड, हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी, मुझे लग रहा है MG रोड फिलहाल। मेरा प्लान है आज लोकल कैफे MG रोड में जाने का, क्योंकि लोकल कैफे में मिलती है आपको लैपिंग्स, और उसके अलावा मुझे एक जगह और जाना है क्योंकि मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, मुझे सैलून में ट्राई करना है कुछ अगर हो जाए। हाँ, मुझे हर मौसम सूट नहीं करता, बालों की धज्जे उड़ चुके हैं मेरे। फाइनली ट्राइंग द तिब्बतन डिश, यहाँ की लोकल मुझे लोकल कैफे में मिली गई, कहीं और मिले ना मिले। और पता है ये जो भैया ये दिल्ली से हैं गाइस, एंड इनका यहाँ पे सैलून है, और कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो सिक्किम से ही है, मतलब ये सुन के मुझे बहुत अच्छा सा लगा कि अपनी वाइफ के पीछे पीछे आके ये बस गए, प्यार नजर आता है ऐसे, एनीथिंग फॉर लव, ये तुम पे भी लागू करता है। सो ये वाले भैया बताएंगे एक्चुअली क्या नाम है जिस सैलून में मैं हूँ, इसका सैलून नेम ट्रेस स्टार। अच्छा, ओके हाँ, ट्रेस स्टाइल। ओके, ट्रेस स्टाइल का नेम, भैया का थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, हिंदी में थोड़ा सा हाथ दांगे और इंग्लिश में इनकी सिक्किम टच आती है, राइट? सो लेट मी जस्ट हैव इट, आई एम सो हंग्री। ये बिल्कुल दिल्ली वाला ही टेस्ट है यार, वो जो गलियों में जाके वो मिलती नहीं है तिब्बतन, हाँ वो तिब्बत के दौड़ी में दिल्ली में मशरूम के इलाके पीछे, बिल्कुल वही टेस्ट है ये, लैपिंग जिससे बनी होती है। आशीष ने बताया था, आशीष ने क्या बताया था, सोयाबीन, और ये ऊपर की परत अंदर मैदा होता है, मिक्स होता है मैदा के साथ एक आटा, और मुझे भी याद नहीं कर, तो गाइस आपको पता है लैपिंग जिससे बने होते, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट से किससे बने होते। और पता है एग्जैक्टली अगर यहाँ ना बहुत सेम टू सेम टेस्ट है, आप तिब्बत मार्केट में जाओ ट्राई कर सकते हो। हाँ, मुझे अपने बाल ठीक कराने पड़ने, बहुत फ्रिजी हो गए थे, बहुत डैमेज थे, ये जो कलर हेयर है टूट रहे थे पूरी तरीके से, एंड यू नो बहुत ऐसा हाल था कि अगर ये लोग खींच भी रहे थे ना, क्या हो रहा था भैया बताओ ना, इलास्टिक हो रहे थे, मैंने देखा ना इलास्टिक हो रहे थे, आपका बूट डैमेज हो गया, तो अभी हम लोग कैरेटिन कर रहे, तो कैरेटिन करने के बाद बैक टू वर्जिन, आपका बाल पूरा अच्छा होगा, सब ये डैमेज जितने भी वो रिपेयर हो जाए। ओके, थैंक्स टू आशीष मेरे डैमेज वालों को ठीक करने के लिए, ही सेइंग दैट आई बेट कि एक साल तक आपको स्पा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो आपके उजड़े जमाने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो यू नो इतना उथड़ा जड़ा मन था कि मुझे आना ही पड़ गया, एंड आई डोंट नो ये इतने डैमेज कैसे हुए थे, क्योंकि मैंने कलर तो H2B से करवाया था, बट थैंक्स टू दैम कि ही हेल्प मी आउट, एंड आई एम इन ट्रेस स्टाइल सैलून राइट नाउ जो कि MG रोड पर है।
मैं सिर्फ ये सैलून देख कर आई बिकॉज दे आर यूजिंग लोरियल के प्रोडक्ट्स बट दे अप्लाइड जीके के प्रोडक्ट्स ऑन माई हेयर्स. सो थैंक यू सो मच आशीष. इट्स टाइम टू गो बैक नाउ. सो इट्स गाइस ऑलमोस्ट 10. तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो 8 बजे तक बंद हो जाती है. सो एवरीथिंग इज क्लोज्ड ऑन दिस रोड. सिर्फ लड़के दिख रहे हैं. नो व्यूमन यू कैन सी एंड समथिंग यू नो अबाउट दिस रोड विच इज़ एक्चुअली अ मिथ कि 8 बजे चीज़ें बंद होना एंड ऑल द थिंग्स. सो आई थिंक सो कि सी यार लुक एट दिस रोड. मतलब अगर हमें मतलब कहीं और होती हूँ ना सो मतलब कहीं की माल रोड होती है दैट इज़ एक्चुअली ओपन टिल दी लेट. बट यहाँ के बारे में ना देर वर सम व्लॉग्स लाइक कि रात को इट्स नॉट सेफ एंड ऑल बट आई एम फील वेरी सेफ. मतलब मुझे अभी तक गंगटोक में ना कुछ ऐसा लगा नहीं. और कहीं पर भी मतलब मैं जहाँ पे भी सिक्किम में घूमी इवन द सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड. अगर आप गंगटोक भी एंटर करो तो पुलिस विल यू विल फाइंड द पुलिस एवरीवेयर. अगर आप मैं यहाँ एम जी भी एंटर कर रहे हो देर इज अ पुलिस स्टेशन. सो आई फील रियली सेफ. सो देर इज अ मिथ कि इट्स नॉट सेफ. इट इज़ एक्चुअली सेफ प्लेस आई थिंक. सो यू कैन एक्चुअली ट्रैवल इन द लेट इवनिंग्स ऑल्सो. सो टुमारो आई एम गोना शेयर मोर एंड मुझे कमेंट करके बताओ शैल आई शेयर लाइक द थिंग्स यू मस्ट टेक केयर ऑफ व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द रोड्स इन द कार. सो जस्ट कमेंट एंड लेट मी नो बिकॉज आई एम गोना शेयर यू दैट टिप्स टुमारो अगर ऐसा कुछ है तो. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कार से ट्रैवल करते हैं जो चैनल देखते हैं. तो कौन कौन है जो कार से ट्रैवल करके मेरा चैनल देखता है मुझे पता चलेगा. लेट्स जस्ट गेट बैक टू आवर स्टे. गाइस आप क्या कर सकते हो कि मतलब अगर आप एम जी रोड जाना चाहते हो कि मेरे सामने सारी टैक्सी पार्किंग है. एक्चुअली मैं यहाँ पे टैक्सी बहुत चलती हैं. सो मैंने यहाँ पार्क किया. ये प्राइवेट पार्किंग है जिसके चार्जेस 50 रुपीज़ पर आवर हैं और 30 एडिशनल पर आवर है. मतलब एक घंटे का 50 उसके बाद 30 एड ऑन होते जाएंगे और एक रात के लिए 200 है. सो आप यहाँ गाड़ी लगा सकते हो. ओह माय गॉड हरियाणा से गाड़ी आई हुई है 6888 मैंने अभी नोटिस किया जस्ट क्योंकि यहाँ पर मुझे बाहर की गाड़ी सिर्फ बिहार की दिख रही है वेस्ट बंगाल की. हरियाणा से मैंने पहली गाड़ी देखी है. उत्तर प्रदेश से भी एक गाड़ी है मेरे सामने. मतलब पार्किंग्स में गाड़ी दिख रही है वैसे तो मुझे कहीं रोड पर दिख नहीं रही. एंड आई गेस दिस इज़ अ न्यू कार. यस ये वेस्ट बंगाल से आई है. ग्रेट. सो मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है. ऐसे थोड़ा सा टाइम लगता है पार्किंग में क्योंकि हम लेट हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचने में. हाँ सो अगर आपका कोई कुछ कुछ क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल मतलब आई मीन दिस सिक्किम तो जस्ट पुट अप द क्वेश्चंस. आई एम गोना आंसर इट. सो आज आलू गोभी की सब्जी है. राकेश नॉन वेज खाता है मैंने. और दिस इज व्हाट ट्राई एंड दिस इज दही. राकेश को दही पसंद है. दाल आई एम गोना हैव दाल एंड दिस इज अचार. सो मैं आज का मैं अचार खाऊंगी. मैं खाऊंगी. तुम चुप करो. मैं ठीक हूँ अब. तो मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ गाइस. सो आई एम गोना सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कुछ हो तो बताना ज़रूर.